चाइनीस मांझे की बिक्री रोक लगाने की तमाम कोशिशें प्रशासन करता है, मगर फिर भी ना तो मौतों के इस मांझे पर पुलिस लगाम लगा पा रही है और ना ही इससे होने वाले हादसों को रोक पा रही है। चाइनीस मांझे की बिक्री रोक पाने में असफल पुलिस और जिला प्रशासन की नाकामी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पलवल में एक बार फिर एक युवक इंसानी खून पीने वाली ड्रैगन मांझे का शिकार बना। पलवल के एलिवेटेड पुल पर से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक का चाइनीस मांझे की वजह से गला कट गया। पोन्हाना मेवात का रहने वाला 30 साल का खुर्शीद अपने पिता शरीफ के साथ होटल से दिल्ली की ओर जा रहा था। जैसे ही खुर्शीद की मोटरसाइकिल बस अड्डे से थोड़ा आगे पहुंची, तभी बिजली के दो खंभों पर फंसे चाइनीस मांझे की चपेट में वो आ गया। हालांकि इस हादसे में खुर्शीद की जान बाल बाल बच गई और उसका इलाज अपेक्स अस्पताल में चल रहा है। खुर्शीद की जान बचाने के लिए उसके गले में करीब 50 से ज्यादा टाके लगे हैं। बड़े पुल पर चढ़े थे हम, बड़े पुल पर चढ़ने के बाद मेरे बच्चे की नाड़ में डोर हिल गई थी पतंग की, फिर उसके बाद जी मतलब ज़्यादा गंभीर हो गया था मेरा लड़का, मतलब बेहोश हो गया था। फिर मैंने बेचारा चलने वालों से मदद मांगी थी, उन भाइयों ने मेरे साथ मदद करी थी जी। फिर उसके बावजूद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ला के जल्दी एडमिट करा दिया। 50 टाके आए हुए हैं जी उसके, और मैं सरकार से करता हूँ जी वो मतलब या चाइनीज मांझे को बंद करें, ये कहीं कहीं दिख रहा है। आपका क्या लगता है? मेरा बेटा है जी। कितने साल की उम्र है? 30 साल की उम्र है। जिस समय ये आया था उस समय शॉक में था, मतलब उसका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा खून जा चुका था, तो इसको वही हमने इमरजेंसी में जो खून की नलियाँ कट गई थी मंजे से वो वहीं पे ही खून का जो खड़ा था वो बंद किया। उसके बाद ब्लड अरेंज करके ब्लड चढ़ाने के बाद फिर उसको दोपहर में ऑपरेशन कराया। इसमें इसकी गले की आगे की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो पूरी कट गई थी, जो खून की नलियां हैं वो भी कट गई थी, इसी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी। एक तरफ की इसकी बोलने की नली पे भी असर आया है, क्योंकि कट जो था वो काफ़ी डीप था, काफ़ी गहरा था, लंबाई में आप ये समझ लीजिए लगभग 16-17 सेंटीमीटर से भी लंबा और काफ़ी गहरा था। डॉक्टर साहब कितने टाके आए हैं इसके सर्जरी के टाइम? नहीं सर, ये तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं स्किन पे, आप कह सकते हैं कि भाई 20-25 टाँके हैं, बट अंदर जो मसल्स रिपेयर होती हैं, वेन्स रिपेयर होती हैं, चमड़ी के नीचे का हिस्सा रिपेयर होता है, वो सब मिला के तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं अगर डोर से कहीं गर्दन कट दी है तो क्या बचाव के हैं उपाय हैं, क्या करना चाहिए उस समय? सर देखिए, बचाव तो फर्स्ट थिंग यही है कि ये पतंगबाजी का सीज़न इस एरिया में तो 15-20 दिन का ही होता है, राखी से लेकर के इंडिपेंडेंस डे के बीच में, है ना, उस टाइम पे खासकर ये ध्यान रखें मोटरसाइकिल वाले कि भाई बहुत तेज़ स्पीड में ना चलाएं। आम आदमियों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, अगर कहीं आपको सड़क पे इधर उधर मंजा उड़ता हुआ लिपटा हुआ मिला है तो उसे संभाल करके लपेट करके फेंकें। खुर्शीद की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बाल बाल बच गई। वहीं डॉक्टर अभिषेक जैन के मुताबिक अब खुर्शीद की हालत ठीक है। डॉक्टर के मुताबिक खुर्शीद को लाने में अगर 15 मिनट की देरी हो जाती तो उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि खुर्शीद के शरीर से करीब 3 लीटर खून बह चुका था और वो बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर के मुताबिक खुर्शीद की गर्दन करीब 16 सेंटीमीटर कट गई है, उसकी कई मांसपेशियां व बोलने वाली नस डैमेज हो गई है, जिसके चलते अभी खुर्शीद को बोलने में दिक्कत हो रही है। होटल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब की केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।